संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में 23 दिसंबर 1994 प्रस्ताव के अनुसार 9 अगस्त 1995 को पहला विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था, जिसमें समाज के अधिकारों का संरक्षण हो, उसके जल जंगल के अधिकार संरक्षित रहे, आत्मसम्मान कला संस्कृति कायम रहे, साथ ही शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार भी हो, इसी जन जागृति और अधिकारों को लेकर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी समाज द्वारा विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम खरगोन जिला मुख्यालय की अनाज मंडी में आयोजित किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में समाज जन और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जिले में लगातार 5 वर्षों से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। आयोजित कार्यक्रम में आदिवासी लोक नृत्य, लोक गायन सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें युवक युवतियों ने हिस्सा लिया और शानदार कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इसी दौरान एक रैली भी निकाली गई, जो विराज हॉस्पिटल से शुरू होकर अनाज मंडी पहुंची। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। और बहुत ही पिछड़ा समाज है। हम चाहते हैं कि यूएनए में 1995 में जो इन्होंने विश्व के सभी देशों ने एक निर्णय लिया कि जल जंगल और जमीन बचाना है, तो आदिवासियों को आगे लाना पड़ेगा। इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक निर्णय लिया और 9 अगस्त को पूरे भारत में अगर प्रकृति को बचाना है, संरक्षण करना है, तो आदिवासियों को आगे लाना पड़ेगा। इसी प्रकार से 9 अगस्त को पूरे भारत का पूरे संसार में इस दिन के लिए करीब 283 देश आज का दिन आदिवासी दिवस मनाते हैं। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए? आज हमारा समाज के मार्गदर्शक लोग आए हैं और सामाजिक सारे कार्यक्रम सामाजिक होते हैं और जितने भी कार्यक्रम होंगे वो लोक कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, वो हमारी आदिवासी भाषा शैली, आदिवासी लोक नृत्य पर ही डिपेंड है वो सारा प्रोग्राम। क्या नाम है आपका? मैं लोकेंद्र सिंह रावत, अजाक्स का खरगोन का तहसील अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का जिला अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।